हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम दीपक जैन है और मैं हूँ फाउंडर इन्फिनिटी गेन्स एलएलपी। आज हम बात करेंगे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में। सो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी के बारे में जब भी बात होती है तो हमेशा ये क्वेरी आती है कि यार मेरे पास तो टर्म प्लान है तो मुझे पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट मुझे ऐसा लगता है कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आज की डेट में ना सिर्फ एक्सीडेंटल डेथ पर बेनिफिट देती है, पार्शियल डिसेबिलिटी के केस में भी बेनिफिट देती है, और सबसे बड़ा पॉइंट हम इसमें जो ऐड करते हैं वो है वीकली बेनिफिट का, जहां पर अगर एक्सीडेंट की वजह से किसी बेड रिटर्न पर्सन होता है और अपना जॉब या बिजनेस पर नहीं जा पाता, तो ऐसी कंडीशन में जो भी उनकी बिजनेस इनकम या सैलरी का जो लॉस होता है वो कॉम्पनसेट करती है पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी। सो आज हम डिस्कशन करेंगे टाटा एआईजी जनरल इंश्योरेंस की पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी, जिसका नाम है एक्सीडेंट गार्ड प्लस। सो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। कमल, ओवर टू यू। हमारे साथ कमल सक्सेना है। सो कमल, ओवर टू यू। थैंक यू सर, थैंक यू। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि सर ने अभी बताया कि आज की डेट में एक्सीडेंटल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट क्यों है, क्योंकि तो नॉर्मली क्या है कि आज की डेट में देखा गया है कि टर्म इंश्योरेंस लोग लेते हैं और टर्म इंश्योरेंस में एक राइडर भी एड ऑन हो जाता है एक्सीडेंटल का, जिसमें क्या है कि एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट भी इंक्लूड होता है टर्म पॉलिसी में जाकर। लेकिन उसके बावजूद भी एक्सीडेंटल पॉलिसी लेनी चाहिए, उसके पीछे रीजन ये है कि ड्यू टू एक्सीडेंट ऐसा नहीं है कि पर्सन की डेथ ही होती है। दे आर मैनी रीजन्स, मतलब ऐसे कॉजेज हो सकती हैं जिसमें लाइक पर्सन का डिसेबल हो सकता है, परमानेंट डिसेबिलिटी हो सकती है, टेम्प्रेरी डिसेबिलिटी हो सकती है, पार्शियल डिसेबिलिटी हो सकती है। तो उस केस में जो आपने जो राइडर लिया हुआ है टर्म पॉलिसी में, वो आपको हेल्प आउट नहीं करता, क्योंकि वो आपको केवल एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट देता है। पर जो हमारी जो एक्सीडेंटल जो पॉलिसी है, एक्सीडेंटल पॉलिसी होती है, वो आपको एक्सीडेंट से होने वाले अदर्स जो कॉजेज होते हैं लाइफ में या पर्सन को जो प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, उनको भी कहीं ना कहीं फाइनेंशियली सपोर्ट हम प्रोवाइड कराते हैं एक्सीडेंटल पॉलिसी में। तो टाटा एआईजी की जो पॉलिसी है, वो हमारी जो पॉलिसी है जिसका नाम है एक्सीडेंटल गार्ड प्लस। एक्सीडेंटल गार्ड प्लस के बारे में हम आज यहाँ पे थोड़ा सा फीचर जो भी हैं प्रोडक्ट के वो हम देखेंगे। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एक्सीडेंटल पॉलिसी के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो हमारा होता है मिनिमम जो एज होती है वो 18 ईयर, और मैक्सिमम जो एज होती है वो 70 ईयर तक का पर्सन हमसे ले सकते हैं पॉलिसी। और इसमें भी जो पॉलिसी टेन्योर होता है, मतलब एज पर क्लाइंट कन्वीनियंट के वो 1 ईयर, 2 ईयर या 3 ईयर्स में पॉलिसी ले सकता है हमें होता है। रिन्यूअल की अगर मैं बात करूँ तो लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल है पॉलिसी के अंदर। आज हमसे किसी ने पॉलिसी लिया तो लाइफ लॉन्ग तक रिन्यूअल करा सकता है। उसके बाद इसमें जो है एक एस्केलेशन, एस्केलेशन मतलब जो बेनिफिट होता है कि यहाँ पे एस्केलेशन का मतलब ये है कि आपका जैसे मेडिक्लेम पॉलिसी में जो नो क्लेम बोनस होता है ना, कि अगर क्लेम नहीं आता है तो आपका जो भी आपने सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया हुआ है लाइक 1 CR, 2 CR, 3 CR, तो वो आपका 10% आपका इनहेंस होता है इन केस ऑफ कोई क्लेम अगर उसका एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी या परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में ट्रिगर नहीं होता। मैक्सिमम जो एस्केलेशन बेनिफिट है वो पॉलिसी में 50% तक मिलता है। जो सम इंश्योर्ड ऑप्शंस अवेलेबल है, जो हमारे पास टाटा एआईजी की जो एक्सीडेंटल गार्ड प्लस पॉलिसी है, वो मिनिमम 5 लाख रुपीज लेके 5 CR तक का सम इंश्योर्ड हमसे पॉलिसी होल्डर हमारा ले सकता है। ओके तो तो हम यहाँ ये पर सम इंश्योर्ड मैक्सिमम हम 5 करोड़ तक का कोई भी हमसे ले सकता है मैक्सिमम। राइट, ओके तो ओके टाटा एआईजी में जो एक्सीडेंटल गार्ड प्लस जो पॉलिसी है, उसमें हमारे पास 3 वेरियंट है, एक प्रोटेक्ट, एलाइट और प्रीमियर। ओके तो हम तीनों को डिस्कस करेंगे कि हम क्या क्या कवरेज उनको प्रोवाइड कराते हैं। सबसे पहले जो की फीचर्स हैं एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी में, वो सबसे पहला फीचर है हमारे यहाँ एक लॉन शील्ड, कि अगर हमसे किसी ने पॉलिसी, हमारे पॉलिसी होल्डर ने पॉलिसी ली हुई है, तो अगर उसका कोई लाइक होम लोन चल रहा है पॉलिसी होल्डर का हमारे,
तो उसमें जो भी सम इंश्योर्ड आप किया 25% ऑफ द सम इंश्योर्ड, इन केस ऑफ कोई अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है पॉलिसी होल्डर की, तो जो भी उसका सम इंश्योर्ड है हम उसका लोन शील्ड एक ऑप्शन है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में, तो वो उसको प्रोवाइड होता है। कॉमा बेनिफिट है लाइक एयर एम्बुलेंस भी देते हैं हम एक्सीडेंटल में, और कॉस्ट ऑफ क्लचेस, व्हील चेयर, कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्स, चाइल्ड एजुकेशन, तो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जो वेदर मैंने बताया आपको कि टाटा AIG में जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है वो तीन प्रोडक्ट में एक्सीडेंटल वेरिएंट है, प्रोटेक्ट, एलाइट, प्रीमियर, सब एक एक करके हम बेनिफिट डिस्कस करते हैं। सबसे पहला बेनिफिट है हमारा एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, प्रोटेक्ट में भी देते हैं, एलाइट में भी देते हैं, प्रीमियर वेरिएंट में भी हम इसको प्रोवाइड करते हैं। मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, पहले मैं ये जानना चाहता हूं आपसे कि कौन पर्सन ये पॉलिसी ले सकते हैं, मतलब क्या एंट्री एज होती है, क्या इनकम क्राइटेरिया होता है। जी 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 सर, जैसे हमने अभी ऊपर देखा कि मैक्सिमम जो एंट्री एज है 70 इयर्स और मिनिमम 18 इयर्स, राइट, यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है। ओके, और 18 इयर्स 70 इयर्स सैलरीड पर्सन और सेल्फ एम्प्लॉयड बोथ हमसे पॉलिसी ले सकते हैं। ओके, तो जो सम इंश्योर्ड जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है वो अगर कोई भी क्या कहते हैं आपका सर्विस में मतलब कोई जॉब करते हैं तो अपनी एनुअल इनकम का हमसे 10 times ले सकते हैं, और अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो अपनी एनुअल इनकम का 20 times तक कवरेज हमसे ले सकते हैं। ओके, तो अगर कोई भी पर्सन सैलरीड क्लास है और उसका 10 लाख रुपए का CTC है तो उसका 10 times वो हमसे ले सकते हैं, मतलब वो 1 crore तक की कवरेज, 1 crore का मैक्सिमम लिमिट है। ओके, अब सपोज करिए कोई बिजनेसमैन है, जी, तो 20 times ऑफ जो उनकी ITR जा रही है, 20 times, यानी कि अगर उनका 10 लाख रुपए का ITR जाता है तो वो हमसे 2 crore तक का प्लान ले सकते हैं। राइट, ओके ओके। अब जो जैसे मैंने हमने अभी देखा कि हमारे पास एक्सीडेंटल गार्ड में 3 variants है, प्रोटेक्ट, एलाइट और प्रीमियर, जिसमें सबसे पहला बेनिफिट्स है एक्सीडेंटल गार्ड पॉलिसी में एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, प्रोटेक्ट में भी कवर करते हैं हम, एलाइट में भी और प्रीमियर वेरिएंट में भी 100% ऑफ सम इंश्योर, मतलब अगर किसी ने हमसे 1 crore का पॉलिसी ली हुई है एक्सीडेंटल गार्ड प्लस पॉलिसी, और इन केस कोई भी एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो नॉमिनी को 100% ऑफ सम इंश्योर मिल जाता है। अच्छा कमल, यहाँ पर क्वेश्चन आता है एक्सीडेंटल डेथ का मीनिंग हम लोग क्या लेते हैं, मतलब एक्सीडेंटल डेथ से मतलब कि बंदा सिर्फ रोड पर चल रहा है वही एक्सीडेंट है या और कैसे हम लोग एक्सीडेंट? सर, एक्सीडेंट की जो डेफिनेशन वो ये कहती है, ऐसा नहीं है कि रोड एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट डेफिनेशन, वहाँ पर एक्सीडेंटल डेथ कंसिडर होगी। अगर मान लीजिए कोई लेट सपोज कोई सीढ़ियाँ उतर रहा है और एकदम पैर स्लिप हो गया, सर उसका एकदम स्टेयर्स में लगा और डेथ हो जाती है, या मतलब घर पे आप कोई काम कर रहे हो या कोई ऐसा शॉर्ट सर्किट हुआ, कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी सडन बाथरूम में नहा रहा है, फिसल गया, क्या ये भी एक्सीडेंट है? बिल्कुल बिल्कुल एक्सीडेंट है, मतलब सडन कुछ भी हुआ जो कि अनएक्सपेक्टेड है। ओके, तो अगर उस केस में कोई भी ऐसी मिसहैपनिंग हो जाती है पॉलिसी होल्डर के साथ तो वो आपका एक्सीडेंटल डेथ माना जाता है, और वो तीनों ही वेरिएंट में, चाहे वो हमसे उसने प्रोटेक्ट प्लान लिया, एलाइट या प्रीमियर, हम 100% ऑफ सम इंश्योर नॉमिनी को प्रोवाइड हो जाता है। Okay. उसके बाद दूसरा फीचर आता है परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी हम प्रोटेक्ट, एलाइट और प्रीमियर वेरिएंट में देते हैं 100% ऑफ सम इंश्योर। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हुआ और वो क्या कहते हैं उसका एक हाथ बिल्कुल मतलब अलग ही हो गया, या एक पैर काटना पड़ गया, जो भी है ड्यू टू एक्सीडेंट, ओके, तो वो मतलब वो परमानेंट डिसेबिलिटी हो गई, अब वो मतलब दोबारा से काम नहीं कर सकते उससे, तो उस केस में भी जो भी उन्होंने हमसे सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया हुआ है 100% ऑफ सम इंश्योर्ड हम उनको प्रोवाइड करा देते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे पर्सन की डेथ नहीं हुई है, यहाँ पे परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी में उसकी डेथ नहीं हुई, वो जिंदा है लेकिन वो उसके जो लेग है या हैंड्स है वो परमानेंट अब काम नहीं कर रहे, वो परमानेंट डिसेबल हो चुका है, वो मतलब एक तरीके से वो वर्किंग नहीं है, अब काम नहीं कर सकते, तो उस केस में भी हम उसको जो भी 100% ऑफ सम इंश्योर्ड है वो प्रोवाइड कराते हैं। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी यस, तीनों ही वेरिएंट में कवर करते हैं प्रोटेक्ट, एलाइट और प्रीमियर। परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी में एज पर स्पेसिफाइड इन पॉलिसी शेड्यूल, क्योंकि इसमें क्या है कि ये परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी है, मतलब जैसे किसी के हैंड है, हैंड में कोई फिंगर टूट गई, एक छोटी सी फिंगर,
या पैर का एक कोई फिंगर उसका एक्सीडेंट में क्रैक हो गया है, कुछ भी है, तो यहाँ पे परमानेंट हुआ है लेकिन पार्शियली हुआ है, तो उससे कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा। तो ये एज पर ग्रिड है पॉलिसी शेड्यूल में, जब क्या कहते हैं हम पॉलिसी वर्डिंग देखेंगे तो वहाँ पे लाइक अगर किसी का थम अगर क्रैक हो जाता है या टूट जाता है, डिसेबल हो जाता है, तो उसमें एक परसेंटेज सेट हुई है कि 5% ऑफ सम इंश्योर्ड या 10% ऑफ सम इंश्योर्ड, तो अकॉर्डिंग टू, या नी है, नी में कोई मतलब प्रॉब्लम आके टूट टूट गई, मतलब डिसेबिलिटी की हुई लेकिन वो परमानेंट ना होके पार्शियली है, ओके तो उस केस में भी एज पर ग्रिड हम उनको जो भी सब इंश्योरेंस ऑप्ट किया है उसके अकॉर्डिंग हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। ओके उसके बाद नेक्स्ट फीचर से हमारा एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस। एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस यस तीनों ही वेरिएंट में कवर करते हैं, प्रोडक्ट अलाइक और प्रीमियम। अगर हमसे किसी ने पॉलिसी ली और ड्यू टू एक्सीडेंट, या किसी का एक्सीडेंट हुआ वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, तो उस केस में उसको हॉस्पिटल में जो भी एक्सपेंस मतलब ट्रीटमेंट हो रहा है उनका 5 लाख रुपए मैक्सिमम और 10% ऑफ सम इंश्योर, विच एवर इज लेसर, हम उनको प्रोवाइड करेंगे। लेट सपोज किसी ने हमसे 1 CR की अगर पॉलिसी लिया है, तो अगर वहाँ पे 1 CR का 10% 10 लाख रुपीज होता है, तो हम उस केस में मैक्सिमम 5 लाख रुपए का उनका हॉस्पिटल का एक्सपेंस भी हम उनको पे करेंगे। तो ये बिल्कुल हेल्थ इंश्योरेंस की तरह हो गया कि इसके अंदर हम 5 लाख रुपए का हेल्थ इंश्योरेंस देते हैं। राइट, बिल्कुल है, लेकिन इसमें हॉस्पिटलाइजेशन एक्सीडेंटल ही होनी चाहिए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस में क्या है कि हॉस्पिटलाइजेशन आपकी मेडिकल एडवर्सिटी भी हो सकती है और ड्यू टू एक्सीडेंट भी हो सकता है, ओके। पर यहाँ पे जो हॉस्पिटलाइजेशन है अगर ड्यू टू एक्सीडेंट हुआ है देन हम वो हमसे 5 लाख रुपए। और दूसरा डिफरेंस ये है सर कि यहाँ पे जो एक्सपेंस है ये रिइंबर्समेंट होगा। ओके, यहाँ पर कैशलेस नहीं है ये वाला जो 5 लाख रुपए का राइट राइट बेनिफिट है। ओके ओके, तो बिल्कुल, ये रिइंबर्समेंट होगा, इसमें तो दो पांच कंडीशन लाख होनी चाहिए। फर्स्ट, एक तो ये एक्सीडेंटल की वजह से हॉस्पिटलाइजेशन हो, और सेकंड कंडीशन ये कि हम इसमें कैशलेस नहीं करते, इसमें रिम्बर्समेंट ही होता है सर। रिइंबर्समेंट ही होगा, बिल्कुल ओके बिल्कुल। ओके, उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है हमारा टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी। यस, प्रोटेक्ट प्लान में ये ऑप्शनल है और एलाइड प्लान में इनबिल्ट है, प्रीमियम में भी इनबिल्ट है। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी ये होता है कि 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड और 50,000 विच एवर इज लेसर मैक्सिमम 104 वीक। मतलब टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर ड्यू टू एक्सीडेंट किसी भी व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और उसका फ्रैक्चर हो जाता है, चाहे वो हैंड में फ्रैक्चर हो रहा हो या लेग में फ्रैक्चर हो रहा हो, जिस वजह से वो अपने काम पे नहीं जा पा रहा है फ्रैक्चर ओके। होने के रीजन से, तो उस केस में जो वो बेड रेस्ट पे है पॉलिसी होल्डर हमारा, जिसे TTD बोलते हैं, टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, तो जितने भी वीक्स वो बेड रेस्ट पर रहता है, तो हम पर वीक उसके जो इनकम लॉस हुई है क्योंकि तो वो काम पे नहीं जा पाए, अपने ऑफिस से उन्हें छुट्टी करनी पड़ी या शहर पे अब्रॉड है तो अपनी बिजनेस को जो इनकम मतलब नहीं देख पा रहे, तो उस केस में हम वीकली उनको कंपनसेट करते हैं। तो 1% ऑफ सम इंश्योर मैक्सिमम 50,000, तो मैक्सिमम 104 वीक्स के लिए हम उनको ये फीचर्स प्रोवाइड करते हैं। ओके 104 वीक्स का मतलब सर ऑलमोस्ट आप देखोगे तो 2 ईयर्स हो गया। 52 हफ्ते होते हैं दो ना एक साल में, 52, तो बिल्कुल ठीक है, आप 2 साल कह रहे हैं, ठीक है ठीक है। साल तो 2 साल में अगर किसी का लाइक फ्रैक्चर भी हुआ है तो वो बहुत हमने लंबा टेन्योर ऑप्ट किया है, ठीक आराम है, से वो परफेक्ट ठीक हो सके बेड रेस्ट पे। लेट्स सपोज किसी ने, एक एग्जांपल के तौर पर समझ लेते हैं, किसी ने हमसे पॉलिसी लिया और क्या कहते हैं उनका एक्सीडेंट हुआ है, एक्सीडेंट की वजह से मान लीजिए उनका 1 CR का पॉलिसी है और बेड रेस्ट पे जाते डॉक्टर उनको 2 महीने के लिए बेड रेस्ट पे बोलते हैं, लाइक आपको दो ठीक महीने है के ठीक लिए बेड रेस्ट पे आना है, तो इट है ठीक मीन्स 2 महीने का मतलब हो गया 8 वीक्स ऑलमोस्ट हो गए, तो है, ठीक 50,000 रुपये पर वीक के हिसाब से उनको इनकम कंपनसेट हो जाती है। है। 50,000 50,000 रुपये तो अगर फिर मैं पर मतलब जी 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड है और मैक्सिमम 50,000 रुपये है, ठीक है ठीक है। तो अगर किसी ने मान, हम यहाँ पे एग्जांपल 1 CR का लेके चल रहे हैं, तो अगर 1 करोड़ का 1% मतलब 1 लाख रुपए के करीब हो गया, तो ठीक है ठीक उस केस में मैक्सिमम 50,000 ही देंगे सर, क्योंकि विच एवरेज लो लेसर, तो है ठीक है 50,000 रुपये पर वीक के हिसाब से, मान लीजिए अगर 8 वीक्स के लिए वो मतलब बेड 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 रेस्ट पे आ जाते 2 महीने के लिए, जैसे मैंने बताया, तो 2 लाख मतलब उनको 50,000 रुपये अगर वीकली है तो 8 वीक के हिसाब से मतलब उनको 4 लाख रुपये उनको मिल जाते बिल्कुल हैं। ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट कमल इसके अंदर ये है, मुझे ऐसा लगता है कि
जब आप कहीं जॉब पर होते हैं और आपकी जो जो आपको लीव्स मिली हुई होती है जब वो खत्म हो जाती है तो उसके बाद आपका सैलरी डिडक्शन होना शुरू हो जाता है, या अगर आप बिजनेस में हैं तो आपको इनकम का लॉस होना शुरू हो जाता है। तो पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी आपको वहां पर हेल्प करती है और आपका वो जो अमाउंट है वो कंपनसेट करती है। राइट सर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर है हमारा एम्बुलेंस कॉस्ट। एम्बुलेंस कॉस्ट हम एलाइड और प्रीमियर वेरिएंट में ही कवर करते हैं, जिसमें 25,000 रुपये और एक्चुअल विच एवर इज लेसर हम अपने पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड करते हैं। मतलब ड्यू टू एक्सीडेंट अगर उनको एम्बुलेंस जो भी उनका एक्सपेंस लगा है एम्बुलेंस में, तो मैक्सिमम 25,000 रुपये और या जो भी एक्चुअल कॉस्ट है उस समय एम्बुलेंस की, वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे। ओके ओके। उसके बाद नेक्स्ट फीचर आता है एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट। यस, अलाइड और प्रीमियर वेरिएंट में कवर करते हैं, एंड एडिशनल और 25% ऑफ द अमाउंट पेबल अंडर परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी। मतलब अगर कोई परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी हुई है और उनको कोई पार्ट वगैरह यूज करना पड़ रहा है जो कि अलग से उनको लगा है, तो ये 25% ऑफ सम इंश्योर्ड उनको अलग से हम प्रोवाइड करते हैं। अपनी यहाँ पे जो फीचर्स है एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट ये या एम्बुलेंस कॉस्ट है, वो हम केवल एलाइट और प्रीमियर वेरिएंट में ही देते हैं, प्रोटेक्ट फीचर में नहीं देते हैं। एक बार दोबारा से क्लैरिटी देंगे, एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट। डिसमेंबरमेंट, ओके, थोड़े सिंपल वर्ड्स में क्लैरिटी दे दीजिए एक बार। डिसमेंबरमेंट मतलब एक्सीडेंटल डिसमेंबरमेंट का मतलब होगा जैसे परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का क्लेम आता है किसी का। ओके, जैसे हमने यहाँ पे देखा था परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी का क्लेम आया, तो कोई ना कोई जैसे कि आपने देखा ना लोगों के रॉड वगैरह पड़ जाती है, रॉड डालनी पड़ती है, या लोगों के क्या कहते हैं मतलब कुछ हैंड को करने के लिए इंस्ट्रूमेंट आते हैं जिससे कि आपका हैंड आपका काम करते हैं, लोग आर्टिफिशियल वगैरह यूज। तो इसका मतलब ये हो गया जो ऐसे कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बॉडी के बाहर लगे। राइट राइट, तो बॉडी के बाहर लगे या अंदर भी लगे तो उसको हम लोग कवर करते हैं, जैसे रॉड हो गई या बाहर कुछ ऐसा बिल्कुल इंस्ट्रूमेंट ऐसा तो बाहर बिल्कुल लगे। अगर एक्सीडेंट की वजह से ये मतलब इसको ये चीज यूज करनी पड़ रही है तो हम उनको वो भी कवर करते हैं बॉडी के अंदर। ओके, उसके बाद इसमें एक फीचर है हॉस्पिटल डेली कैश बेनिफिट। यस, अगर ड्यू टू एक्सीडेंट अगर हमारा पॉलिसी होल्डर हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, जिससे हमने ऊपर देखा था कि हम एक्सीडेंटल हॉस्पिटल हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंस तो प्रोवाइड करा ही रहे हैं, अगर वो हॉस्पिटल में एडमिट भी है, लेट सपोज उसकी वो 10 दिन के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं या जो भी है 15 दिन के लिए एडमिट होते हैं, तो उस केस में 0.5% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर जो भी उसने लिया है और 5,000 रुपीज विच एवर इज लेसर पर डे के हिसाब से उसको मैक्सिमम 60 डेज तक हम उसको ये अलग से रीइंबर्समेंट करते हैं। मतलब अगर किसी का 1 CR का सम इंश्योर है और हॉस्पिटल में एडमिट होता है ड्यू टू एनी एक्सीडेंट, अगर वो 15 दिन भी एडमिट होते हैं हमारे पॉलिसी होल्डर, तो 5,000 रुपये पर डे के हिसाब से उनको अलग से ये बेनिफिट हम प्रोवाइड करते हैं। ओके, और ये मैक्सिमम 60 डेज तक मिलता है, यानी 2 महीने मैक्सिमम 60 डेज। ओके, एयर एम्बुलेंस भी कवर करते हैं। यस, प्रीमियर वेरिएंट में कवर करते हैं इसको, 5,00,000 रुपये तक का एयर एम्बुलेंस देते हैं, और विच एवर जो भी एक्चुअल कॉस्ट है जो भी लेसर होगी वो हम एयर एम्बुलेंस भी कंसिडर करेंगे। एयर एम्बुलेंस का मतलब मेरी अंडरस्टैंडिंग ये कहती है कमल की, जैसे सपोज करिए बंदा दिल्ली में रहता है बट मुंबई किसी काम से गया है और वहां पर एक्सीडेंटल डेथ अगर होती है तो मुंबई से दिल्ली तक लाने का जो एक्सपेंस है एयर के थ्रू वो कवर करते हैं हम। क्या मैंने ठीक बोला है सर? एयर एम्बुलेंस, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये मतलब कोई ऐसी एयर एम्बुलेंस की रिक्वायरमेंट जब आती है, मान लीजिए किसी भी पर्सन का एक्सीडेंट लेट्स सपोज दिल्ली में होता है, अब उनकी कोई ऐसी सर्जरी करनी है जो कि वो सर्जरी दिल्ली में अवेलेबल नहीं है, वो बॉम्बे में ही हो सकती है या बेंगलोर में ही हॉस्पिटल्स में अवेलेबल है, तो अब और लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन है मतलब हमारे पॉलिसी होल्डर की, तो उस केस में आप दिल्ली टू बॉम्बे इतना लॉन्ग डिस्टेंस है कि हम बाई प्लेन ही उसको कवर कर सकते हैं, बाई ट्रेन तो जाना इम्पॉसिबल नहीं है क्योंकि वो टाइम लग जाता है काफी, तो उस केस में अगर पर्सन को वो होनी एक्सीडेंट के थ्रू ही चाहिए। राइट राइट बिल्कुल, क्योंकि एक्सीडेंटल पॉलिसी है, अगर कोई भी एनी एक्सीडेंट कोई ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन बन रही है जिसका ट्रीटमेंट दिल्ली में, जैसे वो दिल्ली का कस्टमर है और दिल्ली में एडमिट हुआ है और यहाँ पे वो ट्रीटमेंट अवेलेबल ही नहीं है, वो ट्रीटमेंट उसको बॉम्बे या बेंगलोर जाके ही कराना पड़ रहा है या मतलब अवेलेबल ही वहाँ पर ही है,
तो उस केस में अगर उसको जो मूव करना पड़ रहा है दयालु टू बॉम्बे तो उस केस में वो एयर एम्बुलेंस का यूज होता है। ठीक है कमल। उसके बाद लाइक अगर प्रीमियर वेरिएंट में जो क्रचेज या व्हील चेयर, मतलब किसी का ऐसे आपने देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है और उनके दोनों पैर खराब हो जाते हैं तो उनको जो लाइक व्हील चेयर वगैरह लेनी पड़ती है या बहुत से लोग या मतलब स्टिक्स यूज करते हैं अकॉर्डिंग टू डिपेंड करता है स्विचेज पे, तो इस प्रकार के इंस्ट्रूमेंट भी जो भी वो परचेज करते हैं अपनी सपोर्ट के लिए जो एक्सपेंस उनका हो रहा है तो 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स आर इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपीज विच एवरेज लो लेसर हम उनको अपने पॉलिसी होल्डर को ये भी फीचर्स प्रोवाइड कराते हैं। ओके ओके। कॉस्ट ऑफ आर्टिफिशियल लिम्ब सेम 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ्स आर इंश्योर्ड या 1 लाख विच एवरेज लेसर, मतलब कोई आर्टिफिशियल लिम्ब जैसे आपने देखा होगा जैसे किसी का पैर कट जाता है तो क्या कहते हैं अपना लोग लकड़ी का पैर या कुछ इस प्रकार से यूज करते हैं ना जी हाँ, जिससे कि तो इस प्रकार की भी कोई भी अगर एक्सपेंस हो रहा है तो वो भी हम पे करते हैं मैक्सिमम 1 लाख और 10% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ मिलता है। इसमें जो बेस्ट इसमें जो फीचर्स है इसमें आप देखोगे फ्रैक्चर और बर्न, ये नॉर्मल किसी भी बहुत कम एक्सीडेंटल पॉलिसी में ये कवर होता है कि बर्न्स का केस एक्सीडेंटल में कवर नहीं होता है, बहुत कम कंपनीज इसको कवर करती हैं। टाटा एजी में अगर कोई भी थर्ड डिग्री तक मतलब मान लीजिए जैसा आपने देखा होगा ना बहुत से एक्सीडेंट आपने ऐसे सुने होंगे कि लाइक घर में कोई काम होता है सिलेंडर एकदम से ब्लास्ट हो जाता है तो घर में या शॉर्ट सर्किट हो गया आग लग गई तो फैमिली मेम्बर थे मतलब वो जल जाते हैं मतलब काफ़ी बुरी तरीके से, तो उस केस में भी अगर ऐसी कोई भी एक्सीडेंटल इंसिडेंट होता है पॉलिसी होल्डर के साथ तो मैक्सिमम कॉस्टिंग 10 लाख रुपये तक की इसमें हम अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को पॉलिसी होल्डर को प्रोवाइड कराते हैं। ओके ओके। उसके बाद कॉमा बेनिफिट, कॉमा बेनिफिट यस अगर हमारा पॉलिसी होल्डर का कोई एक्सीडेंट हुआ है बहुत ही मेजर एक्सीडेंट है और जिस वजह से वो हॉस्पिटल में एडमिट है और वो कॉमा में चले जाते हैं तो उस केस में जो भी उनका एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड है उसका 10% और मैक्सिमम 5 लाख रुपये तक विच अवेलेबल है सर यस हम उनको प्रोवाइड कराते हैं अगर कोई बहुत मेजर एक्सीडेंट हुआ कॉमा में जाते हैं। उसके बाद अगर मान लीजिए कोई भी मतलब हमारे पॉलिसी होल्डर की कोई भी डेथ हो जाती है लाइक तो उस केस में 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 रुपये विच एवर इज लेसर हम उनको प्रोवाइड कराते हैं। इसमें हम फ्यूनरल और रिपार्टिशन ऑफ रिमेंस मतलब इसका मतलब ये हो गया कि अगर मान लीजिए जो पर्सन है जिससे हमसे किसी ने लेफ्ट और किसी ने पॉलिसी ली है वो पर्सन जो अदर सिटी में लेकिन उनकी फैमिली दिल्ली में रहती है तो उनकी जो बॉडी अदर सिटी से दूसरी सिटी में मतलब जो लाते हैं लोग क्या कहते हैं तो उस केस में जो एक्सपेंस हो रहा है तो हम 25,000 रुपये मतलब 1% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 25,000 रुपये तक की कॉस्टिंग प्रोवाइड कराते हैं अपने पॉलिसी। ओके। उसके बाद इसमें क्या बेनिफिट है चाइल्ड ट्यूशन बेनिफिट, ये यहाँ पे ये जो चाइल्ड ट्यूशन बेनिफिट और लोन शील्ड ये दोनों ही ऑप्शनल बेनिफिट है, ये क्लाइंट अगर मतलब पॉलिसी होल्डर ऑप्ट करना चाहते हैं तो ये फीचर्स ले सकते हैं। चाइल्ड ट्यूशन बेनिफिट की डेफिनेशन ये कहती है कि अगर मान लीजिए किसी भी पॉलिसी होल्डर की एक्सीडेंटल डेथ हो जाती है तो उस केस में जो भी उनका सम इंश्योर्ड है 10% और सम इंश्योर्ड और 1 लाख रुपये पिक्चर वाइज लेसर जो उनके बच्चे हैं मतलब उनके मतलब जो नॉमिनी को सम इंश्योर्ड तो मिल ही जाता है जो डेथ हो जाती है उस केस में जो बच्चे हैं उनके जो लाइक स्कूल फीस वगैरह जो उनकी जा रही थी तो 10% ऑफ सम इंश्योर्ड और मैक्सिमम 1 लाख रुपये हम भी हम उनको अलग से पे करते हैं। ओके ओके। उसके बाद लोन शील्ड की 25% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ सम इंश्योर्ड और आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट विच एवर इज लेसर हम उनको लाइक सपोर्ट किसी ने 1 CR का हमसे पॉलिसी लिया है और उनका होम लोन चल रहा है तो ये 25 लाख रुपये का या हम 25% ही देंगे तो हम 25 लाख उनका होम लोन लाइक सपोर्ट 50 लाख का चल रहा है फॉर एग्जाम्पल तो उस केस में अगर कोई भी एक्सीडेंटल डेथ होती है तो 25 लाख रुपए मतलब 25% ऑफ सम इंश्योर उनको जो भी आउटस्टैंडिंग लोन होगा वो हम बैंक को पे करते हैं। ये एक ऑप्शनल बेनिफिट है जो कि अपने जो भी अगर वो प्रीमियर वेरिएंट ले रहे हैं तो उसको ऐड कर सकते हैं। तो ऑप्शनल ये जो दोनों बेनिफिट्स हैं ऑप्शनल बेनिफिट्स के अंदर हमें एडिशनल प्रीमियम पे करना होता है कुछ राइट हल्का सा प्रीमियम एनहेंस हो जाता है क्या कहते हैं
पॉलिसी के अंदर अगर मान लीजिए किसी का 1000 रुपये का प्रीमियम बना है, एग्जाम्पल लिख चल रहा हूँ मैं, तो वो यहाँ पे आपका हार्डली 5% या 10% आपका प्रीमियम इनहेंस होगा। ओके, तो थोड़ा सा एक कैलकुलेशन अगर बताएंगे, सपोज करिए कि 36 से 34 के एज ग्रुप में एक पर्सन है अगर, तो मैं आपको बता दूं एक्सीडेंटल पॉलिसी में सबसे बेस्ट पार्ट ये है, एक्सीडेंटल पॉलिसी में एज मैटर नहीं करती है। सबसे पहली बात, अगर किसी का 30 इयर्स का पर्सन है और वो 1 CR का पॉलिसी ले रहे हैं तो उनका भी प्रीमियम सेम आता है। अगर 65 की एज में कोई पर्सन है और वो भी 1 CR के लिए तो उनका भी प्रीमियम सेम आता है। एक्सीडेंटल पॉलिसी में जो प्रीमियम डिसाइड होता है वो अकॉर्डिंग टू एज ना होकर अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन होता है। क्योंकि एक्सीडेंटल पॉलिसी जो है वो हमारी जिस्ट के अकॉर्डिंग प्रीमियम डिसाइड होता है कि आपका नेचर ऑफ वर्क क्या है। ओके ओके, लाइक अगर मैं बात करूं लाइक जो जैसे कि जो ऑक्यूपेशन वन में कौन लोग आते हैं, लाइक जो सर्विस करते हैं, जॉब करते हैं, मतलब जिनका काम सिटिंग जॉब है, लाइक CA हो गए, CS हो गए, बिजनेसमैन हो गए, ये सारे ऑक्यूपेशन वन में काम करते हैं। ऑक्यूपेशन टू में कौन आते हैं, लाइक जो जिनका काम फील्ड पे होता है, लाइक जो सेल्स एग्जीक्यूटिव होते हैं, फील्ड बॉय होते हैं, जिनका काम ही मेनली रोड पे रहता है। और उसके बाद आती है ऑक्यूपेशन थ्री में वो आते हैं लाइक ड्राइवर्स, जो प्राइवेट गाड़ी चलाते हैं, मतलब कार वगैरह या किसी भी कार का ड्राइवर, जो पर्सनल कार के जो ड्राइवर्स हैं, पर्सनल कार के, राइट, क्योंकि कॉमर्शियल तो हम देते नहीं है, क्योंकि कॉमर्शियल गाड़ी का जो ड्राइवर होता है वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होता है। ओके ओके, तो प्राइवेट कार पे जो ड्राइवर्स हैं तो वो प्राइवेट कार के ड्राइवर्स हो गए, या जो जिनका लाइक जो काम का मशीन्स पे काम करते हैं, जो हैवी मशीन्स होती हैं, तो वो ऑक्यूपेशन थ्री कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रीमियम है, प्रीमियम वो अकॉर्डिंग टू एज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ही रहता है सर। तो इसमें और बेस्ट पार्ट ये है कि इसमें प्रीमियम आपका इन्हेंस नहीं होता। अगर आज किसी की 35 ईयर्स की एज है फॉर एग्जाम्पल, और किसी ने 1 CR का हमसे प्रीमियम ऑप्ट किया है, तो उसका मान लीजिए 1 CR का प्रीमियम 13,000 के अराउंड आता है इंक्लूडिंग टैक्स, तो लाइफ लॉन्ग उनका प्रीमियम वही रहना है, प्रीमियम इनहेंस नहीं होना, चाहे भले उनकी एज इनहेंस हो रही है धीरे धीरे, आज वो 30 के हैं, 45, 50, लेकिन प्रीमियम उनका नहीं बढ़ता है। ओके, तो बेस्ट पार्ट ये है। तो 80 to 70 तक में कोई भी एज में अगर हमसे कवरेज ले रहे हैं, यस, प्रीमियम डिपेंड करेगा ऑक्यूपेशन पे और आपकी एनुअल इनकम पे। यहाँ पे एक सर मैंने एक छोटा सा कंपैरिजन है, क्या कहते हैं आपका टाटा या वो टाटा या जी कह रहा हूँ, एक्सीडेंटल पॉलिसी और टर्म पॉलिसी में क्या डिफरेंस है, मैं एक बारी वो आपको थोड़ा दिखाना चाहता हूँ। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन वही होने वाला था कि हम टर्म प्लान लें या एक पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी लें, एक्सीडेंटल गार्ड प्लस लें, तो कौन सा बेनिफिट रहेगा जी? ये देखिए सर, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन, मेरी साइज आपको दिख रही होगी, स्क्रीन विजिबल है आपकी, बिल्कुल। तो यहाँ पे आप देखेंगे सर, टर्म पॉलिसी और आईपी में, यस, पहले हम फीचर्स की बातें, एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट टर्म पॉलिसी में कवर करते हैं, यस। अगर आईपी का मतलब इंडिविजुअल पर्सनल एक्सीडेंटल पॉलिसी है, तो एक्सीडेंटल पॉलिसी को भी हम आईपीए भी बोलते हैं, ठीक है सर जी। तो एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट, यस, टर्म अगर इंश्योरेंस लिया है आपने तो वहां पे भी कवर होता है आपका, और एक्सीडेंटल पॉलिसी में भी कवर होता है। नेचुरल डेथ, यस, आपकी टर्म पॉलिसी कवर करती है पर आपकी एक्सीडेंटल पॉलिसी कवर नहीं करती है। अब बात करते हैं परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, यस, टर्म इंश्योरेंस में नहीं होता है पर आपकी आईपीए में कवरेज होती है। परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी, यस, टर्म इंश्योरेंस में कवर नहीं होती है पर आईपीए में कवर होती है। टेम्परेरी टोटल डिसेबिलिटी, जो कि वीकली कंपनसेशन है हमारा, यस, हम कवर करते हैं। चाइल्ड एजुकेशन, यस, टर्म पॉलिसी में ये फीचर नहीं मिलता है आपको, आईपीए में मिलता है। रिपार्टिशन और मॉडल रिमेंस, यस, टर्म में नहीं मिलता है आपको, आईपीए में मिलता है। ब्रोकन बॉन्ड्स, कोई ब्रोकन बॉन्ड्स हो जाती है, यस, तो टर्म पॉलिसी में कवर नहीं है। इमरजेंसी एम्बुलेंस चार्जेस, तो एक्सीडेंटल मेडिकल एक्सपेंस, एक्सीडेंटल इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, वर्ल्ड वाइड कवरेज दोनों में ही मिलती है आप देखेंगे तो टर्म पॉलिसी में भी होती है। और मेडिकल टेस्ट वाइल टेकिंग ऑफ पॉलिसी, टर्म पॉलिसी में मैंडेटरी है, आईपीए पॉलिसी में नहीं होता है। तो यहाँ पे टर्म पॉलिसी में जो आपको राइडर मिलता है, आईपीए जो आप राइडर लेते हो टर्म पॉलिसी में एक्सीडेंटल का, तो आप शायद कुछ फीचर्स हैं, कुछ कंपनियों ने शुरू भी कर दिया कि वो आपको
एक्सीडेंटल डेथ के साथ परमानेंट पार्शियल डिसेबिलिटी, परमानेंट टोटल डिसेबिलिटी भी प्रोवाइड कराने शुरू हो गया है, कुछ कंपनीज ने शुरू कर दिया। ये उन्होंने भी एक राइडर भी निकाला है जो कि एक्स्ट्रा प्रीमियम उसमें देना पड़ता है। और अगर मैं प्रीमियम की भी बात करूं सर, क्या कहते जो हमारा प्रीमियम है एज कम्पेयर टू टर्म पॉलिसी और एक्सीडेंटल पॉलिसी, तो वो प्रीमियम में भी बहुत ही डिफरेंस है। देखिए टर्म पॉलिसी का एक अपना अलग रोल है और एक्सीडेंटल पॉलिसी का एक अपना अलग रोल है, तो हम उसको दोनों को एक साथ नहीं कर सकते, क्योंकि एक्सीडेंटल पॉलिसी में बहुत से फीचर्स ऐसे हैं जो टर्म पॉलिसी में कवर नहीं होते हैं। यस टर्म पॉलिसी में आपको बेनिफिट जरूर दोनों का मिल जाता है कि नेचुरल डेथ और एक्सीडेंटल डेथ, पर यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि जरूरी नहीं है कि हर एक्सीडेंट में पर्सन की डेथ ही हो जाती है। तो अब क्वेश्चन ये है कि अगर ड्यू टू एक्सीडेंट पर्सन अगर कि एक्सीडेंट बहुत मेजर एक्सीडेंट होता है किसी भी आज की डेट में आप इंडिया में देखें, तो अगर एक्सीडेंट हुआ है किसी भी पॉलिसी होल्डर का और वो उसकी डेथ नहीं होती है और उसकी परमानेंट डिसेबिलिटी या मतलब वो उसके दोनों हाथ दोनों पैर नहीं रहते हैं, तो वो एक तरीके से काम नहीं कर पाता है, तो उस केस में उसको जो फाइनेंशियली सपोर्ट चाहिए होता है, तो वहां पे हम उसको हेल्प आउट करते हैं कि आप सर कम प्रीमियम में आपके पास एक हायर कवरेज है जिसमें आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखा हुआ है, और अगर इन केस कोई भी मिसहैपनिंग इस प्रकार की होती है तो हम आपको फाइनेंशियल लॉस को कहीं ना कहीं कंपनसेट कर सकते हैं। सो कमल आप एक बार छोटा सा हमें कोई प्रीमियम का एक आइडिया दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास समय थोड़ा सा कम है अभी। सो एक 36 से 44 की एज में सपोज करिए 10 लाख रुपए का एनुअल इनकम है, तो क्या प्रीमियम बैठेगा? सम इंश्योर कितना वन सीआर का बात कर रहे हैं? वन सीआर हम ले सकते हैं, क्योंकि 10 लाख पे हमने सर्विस क्लास के लिए बात किया कि 10 टाइम्स हम दे सकते हैं। जी तो सर मैंने वही बताया, मैं आपको बता देता हूँ कि जो प्रीमियम है आपका, जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे प्रीमियम अकॉर्डिंग टू एज नहीं होता, अकॉर्डिंग टू ऑक्यूपेशन ही होता है। तो जैसे ऑक्यूपेशन सर्विस क्लास वन है मतलब वो जॉब कर रहे हैं, और 10 एनुअल इनकम आप बता रहे हो मुझे 1 लाख, तो आप मान के चलिए कि वो व्हाइट कॉलर जॉब में है और कंपनी के हेड ऑफिस में सिटिंग है और एडमिन का काम देखते हैं। सो आप उसके अकॉर्डिंग प्रीमियम कैलकुलेट करके देखिए, सो दैट एक आइडिया हो जाए थोड़ा सा। सर अब इसमें जो प्रीमियम है, अगर मैं सारे फीचर्स को कवर कर दूं, जिसमें हम वेरिएंट प्रीमियम वेरिएंट ले लेते हैं, ओके, इसमें हम एवरीथिंग जो भी हमारा कवर होगा, तो वहां पर जो प्रीमियम आएगा वो 19,000 का प्रीमियम आता है वन सीआर का। ओके, तो 19,000 के अंदर इनको कवरेज मिल गया 1 करोड़ रुपए का। तो अगर एक्सीडेंट से डेथ होती है तो नॉमिनी को 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा, ठीक है। इसके अलावा वीकली बेनिफिट कितना मिलेगा इनको? वीकली बेनिफिट सर 50,000 हो गया ना, 1% ऑफ एक्सीडेंटल डेथ पर वीक इनको मिलेगा, पर वीक, राइट। तो इसमें अब बेनिफिट ये है कि अब मतलब जो उन्होंने आज की डेट में मतलब उन्होंने जो प्रीमियम पे किया लाइक 19,000 रुपीज, तो लाइफ लॉन्ग, क्योंकि इसमें प्रीमियम इनहेंस नहीं होना कभी भी, आज उनकी है जो भी एक्स वाई जेड एज है, प्रीमियम लाइफ लॉन्ग तक यही चल रहा है, लाइफ लॉन्ग तक। यस वो अपना सेमेस्टर इनहेंस करा सकते हैं, अगर मान लीजिए जैसे कि लोगों की आगे टाइम में आज वो उनकी एनुअल इनकम 1 लाख रुपीज है, आगे वाले टाइम में एनुअल इनकम इंक्रीज होती है, इनहेंस होती है, तो वो अपना जो है सम इंश्योर्ड इंक्रीज कर सकते हैं। कमल एक चीज और बताइए, मैंने देखा है कुछ पॉलिसीज में जैसे 70 तक का इस पॉलिसी में एंट्री एज है, तो ये पॉलिसी कब तक चलती है, किस एज तक चलती है? सर मैक्सिमम एंट्री है 70, उसमें लाइफ यहां पे लिखा हुआ है ना, रिन्यूअल इज लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल। ओके, जब तक पर्सन अलाइव या चलाना चाहते हैं तो वो तब तक वो पॉलिसी नहीं चला सकते हैं, क्योंकि मैंने देखा है कुछ पॉलिसी में 70 की एंट्री के बाद 75 या 80 तक ही वो पॉलिसी चलती है और उसके बाद कंपनी वो पॉलिसीज को रिन्यू नहीं करती है, बट टाटा एआईजी में लाइफ लॉन्ग रिन्यूअल का हम लोग बेनिफिट देते हैं। बिल्कुल, अब जैसे मान लीजिए यहाँ पे सर एक जैसे हमने अभी डिस्कस किया था, जैसे 1 CR की पॉलिसी हमसे ले रहे हो, तो यहाँ पे एस्केलेशन बेनिफिट जो है वो 10% है, मींस मतलब उनका अगर 1 करोड़ की पॉलिसी लिया क्लेम नहीं आ रहा है तो 50% 5 साल में वो 1.5 करोड़ की हो जाती है। ओके, तो हर साल क्लेम फ्री होने पर उनकी पॉलिसी में 10-10% बढ़ता रहेगा, तो 1 करोड़ की पॉलिसी 5 साल में 1.5 करोड़ की हो जाएगी। यस, यहाँ पर प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा, पर
प्रीमियम में कोई चेंज नहीं आएगा, क्योंकि प्रीमियम हमारा जो हमने अभी एज पर जिस रेव्यू हमने ऑप्ट कर लिया, तो वही मेरा लाइफ लॉन्ग का चल रहा है। एक्सीलेंट कमल, मुझे ऐसा लगता है कि हमने बहुत सिंपल लैंग्वेज में, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत डिफिकल्ट वर्ड्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया है, और आई एम श्योर ये बेनिफिट जो भी हमने आज डिस्कशन किए हैं, अगर आप अपनी अपने लिए या अपनी फैमिली के लिए या अपने किसी रिलेटिव के लिए एक्सीडेंट गार्ड प्लस पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं या बाय करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में मेरी टीम के नंबर मेंशन है, आप उनसे कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। रादर अगर आप ये चाहते हैं कि आप टाटा AIG जनरल इंश्योरेंस को ज्वाइन करें एज अ इंश्योरेंस कंसल्टेंट, जहां पर कि आप अपने फैमिली मेंबर्स को और अपने नियर डियर वंस को पॉलिसीज दे पाए, तो आप मेरी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच कमल फॉर द वंडरफुल सेशन, और होप ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग और एजुकेशनल सेशंस के साथ हम लोग कंटिन्यू मिलते रहेंगे। थैंक यू कमल, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। श्योर।